कक्षा 10 के सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी अगली सीरीज में सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन द टर्म्स ऑफ सर्जरी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें लाइन है जहाँ से मैं प्रारंभ करना है। पहला स्टेंजा है, आई वाज रियली बरीड। जरा किताब खोल लीजिए और तैयार हो जाइए। आई वाज रियली बरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रीज एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and this his tongue lolled from his juice. तो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा समरी पर जाना होगा और वहां पर आप देखिए कि इसके मुख्य पात्र क्या थे। मुख्य पात्र में एक डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी, और उस ट्रिकी की एक मालकिन थी जिनका नाम था मिसेस पम्फ्रे, और उस डॉग की सर्जरी चिकित्सा करने वाले डॉक्टर थे मिस्टर हैरी। तो इस कहानी का वर्णन मिस्टर हैरियट कर रहे हैं। आई वॉज रियली वरीड। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैं वास्तव में चिंतित था अबाउट ट्रिकी को लेकर के। दिस टाइम माने इस बार मैं ट्रिकी को लेकर के या ट्रिकी के बारे में जान करके वास्तव में चिंतित था। क्लियर हो रहा है बेटा? पहली बार जब मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी के बारे में बताया था, तो डॉक्टर हैरियट ने उन्हें सुझाव दिया था कि उसे एक निश्चित भोजन दिया जाए, एक्सरसाइज कराया जाए। फिर भी इतने सुझाव के बावजूद ट्रिकी का स्वास्थ्य सुधरा नहीं। जब ये समाचार सुनते हैं तो डॉक्टर हैरियट वास्तव में परेशान हो जाते हैं। आई वॉज रियली वरीड। मैं वास्तव में चिंतित था अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार ट्रिकी को लेकर के मैं वास्तव में परेशान था। आई हैड पुल्ड अप। मैंने रोका माई कार, अपनी कार को। मैंने अपनी कार को रोक दिया। When I saw him, जब मैंने उसे देखा। In the street माने गली में या सड़क पर। With his mistress अपनी मालकिन के साथ। मैंने जब उसे अर्थात ट्रिकी को सड़क पर अपनी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। सड़क पर जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। And I was shocked, मुझे आघात पहुंचा। एट हिज उसके अपीयरेंस, हाव भाव शक्ल सूरत मिजाज। अपीयरेंस माने होता शक्ल। उसकी शक्ल को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके वास्तव में मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे शॉक पहुंचा, आघात पहुंचा। ही हैड बीकम, ही माने वह, अर्थात ट्रिकी हैज बीकम हो चुका था Usually, अत्यधिक फैट, मोटा। बेटा वह बहुत ही मोटा हो चुका था। लाइक जैसे ब्लोटेड सूसेज। ब्लोटेड मीन्स होता है बेटा, क्या कहते हैं, फूला हुआ। सूसेज माने मांस। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फूला हुआ मांस था, कोई मांस सूज आए, उसी प्रकार से टिरकी दिखने में लग रहा। विद ए लेग, कहां पर बेटा, पैर के पास, एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक
पैर के पास प्रत्येक कोने पर वह देखने में सूजा हुआ मांस लग रहा था। हिजाइज अगर उसकी आंखों की बात किया जाए, ब्लूड शॉट एकदम लाल हो गई थी एंड रूमी जिससे कीचड़ बह रहा था गंदा पानी बह रहा था। अगर ट्रिकी की आंखों को आप देखते जैसा कि मिस्टर हैरियट ने देखा था तो आंखें एकदम लाल हो गई थी और उनसे गंदा पानी बह रहा था, कीचड़ बह रहा था। स्टायर्ड माने घूर रहा था, स्ट्रेट माने सीधे, एहेड माने सामने। बेटा वह एकदम सीधे आगे घूर रहा था, ना इधर ना उधर ना अगल ना बगल। क्यों? क्योंकि मांस इतना सूज आया था कि ना तो उधर देख सकता था ना तो उधर देख सकता था। दूसरी बात यह है कि उसे किसी वस्तु में इंटरेस्ट रुचि आ ही नहीं रही थी। वो किसको देखे, क्या वस्तु देखे, क्या वनस्पति देखे, क्या खाने पीने की वस्तु देखे, किसी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं देख रहा था, वो सीधे सामने देख रहा था। एंड हिज टंग उसकी जीभ लोलेड लटक गई थी फ्रॉम हिज जॉस, उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्रे हेजनेटेड टू एक्सप्लेन, मिस्टर पम्फ्रे ने हेजनेटेड माने जल्दी से, टू एक्सप्लेन माने बताया। जैसे ही मिस्टर हैरियट कार से उतरते हैं, मिस्टर पम्फ्रे ने कुत्ते की समस्या को उनसे बतलाना शुरू किया। जल्दी जल्दी कहा, ही वाज सो लिस्टलेस, ही माने वह अर्थात ट्रिकी, वाज था सो बहुत ही लिस्टनेस माने परेशान, ट्रिकी वास्तव में बहुत ही परेशान था मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ही सीम्ड वह लग रहा था टू है होना नो नहीं एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास ताकत थी ही नहीं, उसके पास ऊर्जा थी ही नहीं, उसके पास शक्ति थी ही नहीं। आई थॉट मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग, वह अवश्य परेशान था फ्रॉम मैल्ट्यूरिनेशन। मैंने सोचा कि वह जरूर ही मैल्ट्रेशन से अर्थात कुपोषण से परेशान था। मैंने सोचा कि उसे अवश्य कुपोषण हो गया था। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग, मुझे उसे देना पड़ा हिम सम लिटिल, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा अधिक मात्रा में, इसलिए मुझे उसे थोड़ा अधिक ज़्यादा मात्रा में देना पड़ा विटामिन से युक्त भोजन। मैंने तो सोचा कि मेरा टर्की कुपोषण का शिकार हो गया है, इसीलिए मुझे उसे थोड़ा अधिक मात्रा में विटामिन देना पड़ा। टू बिल्ड अप हिम, बिल्ड अप माने स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य के उसके पुनर्निर्माण के लिए मुझे उसे थोड़ा विटामिन देना पड़ा। सम माल्ट, कुछ माल्ट देना पड़ा बेटा जो एनर्जी युक्त फूड है। कॉड लीवर आयल, कॉड एक मछली होती है, कॉड नामक मछली का आयल देना पड़ा। एंड ए बाउल, एक कटोरा ऑफ हॉर्लिक्स देना पड़ा। मैंने तो सोचा वह कि वह कुपोषण से परेशान है, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा विटामिन और क्या कहते कुछ माल्ट, कॉड मछली का तेल और एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया कब बेटा, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छी तरीके से सो सके। नथिंग मच रियली, मिस्टर हैरियट मेरी बात को मानिए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, मच माने ज़्यादा था, रियली माने वास्तव में मैंने उसे कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया था, जो कुछ भी मैंने दिया था वह बहुत थोड़ा था, ज़्यादा मात्रा में नहीं था। तो बेटा एंड तब हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, एंड डिड यू कट डाउन, डिड यू, क्या आपने कट डाउन माने कम किया, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी वस्तुएं, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हैरियट ने पम्फ्रे से पूछा कि पम्फ्रे क्या आप बताएंगी, क्या आपने
ट्रिकी को वे मीठी वस्तुएं देना कम किया जिन वस्तुओं को मैंने आपको बताया था। तो बेटा पम्फ्रे कहती ओ अफसोस के साथ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने किया लेकिन थोड़ा सा, मैंने किया तो लेकिन थोड़ा सा, और जब थोड़ा सा किया बट ही सीम्ड, वह लग रहा था टू बी सो वीक, बहुत कमजोर, लेकिन जब मैंने उसे मीठी वस्तुएं कम कर दिया वह बहुत कमजोर लग रहा था, ठीक ना, ही सीम्ड वह लग रहा था टू बी सो वीक, बहुत कमजोर, आई हैड टू रिलेंट, आई मीन्स मुझे हैड टू, एक मिनट बेटा, हैड टू रिलेंट माने कोमल होना पड़ा, उसकी स्थिति को देख करके मुझे कोमल होना पड़ा, जैसे कोई माँ है भले ही डॉक्टर रोकता है कि बच्चे को ये ना दीजिए वो ना दीजिए, लेकिन माँ इतनी कोमल होती है कि बच्चे को दे देती है, उसी प्रकार से उसने कहा कि मुझे ट्रिकी के प्रति कोमल होना पड़ा, अर्थात उसे मीठी वस्तुएं देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम, आप तो जानते हैं मिस्टर हैरियट, ही डज लव, वह प्रेम करता है, वह लाइक करता है क्रीम केक, मीठे बिस्किट एंड चॉकलेट, और चॉकलेट, उसे मीठे बिस्किट और चॉकलेट से बहुत प्रेम है, बड़ी चाहत है। आई कैंट बियर, मैं सहन नहीं कर सकती टू रिफ्यूज हिम, उसे देने के लिए, इन सारी चीज़ों को ना देने के लिए मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं अपने ट्रिकी को इन सारी वस्तुएं ना दूं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, बेटा हैरियट कहते हैं आई लुक्ड, मैंने देखा, लुक डाउन देखा अगेन पुनः एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, मैंने छोटे कुत्ते को पुनः देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो कि परेशान था, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का ओनली माने मात्र, फॉल्ट माने गलती, वास्ती, ग्रीड माने लालच, ट्रिकी की मात्र एक गलती थी, वो भी बहुत बड़ी गलती थी कि वह लालची था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का मात्र एक गलती क्या थी कि वो बेटा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन, ही माने वह, अर्थात ट्रिकी हैड नेवर, कभी नहीं, बीन नोन जाना, टू रिफ्यूज माने इनकार करना, फूड माने भोजन, उसने भोजन से इनकार करना कभी नहीं जाना, जब भी भोजन मिला तब तब उसने खाया। ही वुड टेकलेट ए मील, ही माने वह, उड सकता था, बेटा टेकलेट माने खा लेना, मील माने भोजन, एट एनी आवर किसी भी समय, ऑफ द डे माने दिन के, आर नाइट माने रात के, वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन खा सकता था, जब आप उसको भोजन प्रोवाइड करा देते उसी समय वो भोजन खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स, आई मीन्स मैं वंडर्ड माने आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल थिंग्स सभी वस्तुओं के बारे में, मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मेंटेन, मिस्टर पम्फ्रे हैडेंट नहीं सकी, मेंशन माने जिक्र करना, बेटा मैं तो इस बात को लेकर के, उन सारी वस्तुओं को लेकर के आश्चर्यचकित था कि मिसेस पम्फ्रे ने उनका जिक्र नहीं किया था, क्लियर। फिर हैरियट ने पम्फ्रे से पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लान्टी ऑफ एक्सरसाइज, आर यू, क्या तुम गिविंग माने दे रहे हो, हिम माने उसे, प्लान्टी माने पर्याप्त मात्रा में, एक्सरसाइज माने व्यायाम, क्या आप उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम दे रही हैं, अर्थात कुत्ता पर्याप्त मात्रा में व्यायाम कर रहा या नहीं। वेल पम्फ्रे कहती हाँ ठीक, ही हैज ए लिटिल वॉक, ही माने वह, हैज हिज लिटिल वॉक, वह थोड़ा चल लेता है, विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जितना कि आप देख सकते हैं, आप तो देख सकते हैं कि वह मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है, यही व्यायाम उसे दिया जा रहा है। He has his little walk, वह थोड़ा चल लेता है, with me, मेरे साथ, as you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, but Hodkin the gardener, ये जो Hodkin नाम का एक व्यक्ति है बेटा,
वो क्या है कि मेरा गार्डनर है, माली है, ठीक ना। हॉडकिन जो है वो क्या है, मिस्टर पम्फ्रे का माली है। करे लेकिन जो मेरा हॉडकिन है, मेरा माली, हैज बीन डाउन, बीमार है, विद लंब अगो। लंब अगो मीन्स होता है कमर दर्द। लेकिन मेरा मालिक इस सम, मेरा माली जिसका नाम हेडगो है, वह कमर दर्द से परेशान है। सो इसीलिए दियर हैज बीन नोरिंग थ्रोइंग लेटली। दियर हैज बीन मीन्स था, नो नहीं, रिंग थ्रोइंग, रिंग में कूदने का काम लेटली माने देर तक। इसी यही कारण है कि रिंग के खेल को देर तक नहीं सिखाया जा रहा है, रिंग के खेल को ज्यादा समय तक नहीं सिखाया जा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवर्स। हैरियट कहते हैं आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, मैंने क्या किया बेटा, प्रयास किया, ए साउंड टू साउंड सीवर्स माने थोड़ा कठोर बनने का, मैंने थोड़ा कठोर बनने का प्रयास किया, अर्थात एक शक्ति के साथ उनको निर्देश देने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस। हैरियट कहते हैं मिसेस पम्फ्रे, नाउ अब आई, मैं रियली माने वास्तव में, मीन दिस मेरा मतलब, मीन माने मतलब, वास्तव में अब मेरी बात ये है, वास्तव में अब मेरी बात ये है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, इफ यदि यू आप डोंट नहीं, कट डाउन माने कम करती हैं हिज फूड उसका भोजन, अगर आप उसका भोजन कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज और उसे खूब व्यायाम नहीं करवाती हैं, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। बड़ी कठोरता के साथ हैरियट ने कहा कि अब मेरी बात को सुनिए, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरे कहने का वास्तविक अर्थ यह है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका भोजन कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज और उसे और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हैं, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डनेट योर हार्ट, यू माने आपको, मस्ट माने अवश्य ही, आपको अवश्य ही हार्डन माने कठोर बनाना होगा योर अपना हार्ट माने हृदय, एंड कीप हिम और रखना पड़ेगा वेरी स्ट्रिक डाइट, बहुत ही सख्त खुराक, आपको अवश्य अपना हृदय कठोर बनाना होगा और उसे बहुत सख्त खुराक देना होगा। मिसेस पम्फ्रे रांग हिज हैंड, मिसेस पम्फ्रे रांग माने मला हिज हैंड, अपना हाथ। यह बात सुनकर के मिसेस पम्फ्रे अपना हाथ मलने लगी और कहा ओह आई विल, मैं अब अवश्य करूंगी उसी प्रकार जिस प्रकार आप आदेशित कर रहे हैं। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ कि आप सही करें, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन समस्या बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, वह चली गई हेड डाउन सिर झुका करके, बेटा पम्फ्रे सिर झुका करके चली जाती हैं एलॉन्ग द रोड माने सड़क पर, एज इफ मानो डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, टू पुट माने देने के लिए, न्यू नए, बेटा न्यू नए रिजिम इनटू प्रैक्टिकल सॉरी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, न्यू रिज्यूम माने नई खुराक, इनटू प्रैक्टिस माने अभ्यास का, इमीडिएटली माने अचानक, मानो वह एकदम दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वह ट्रिकी को अब एक निश्चित खुराक ही देंगी। ओके तो बेटा यहीं पर आज का ये कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, आगे कल देखते हैं प्रैक्टिस इमीडिएटली। हो गया ठीक ना। तो बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।